जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट जेएम पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट जो सिविल जज है पीसीएस जे के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट यहां पर जारी कर दिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फॉर्म फीस क्या है, कौन किसको अप्लाई कर सकता है, किस कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस कब है, और कब से हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी क्या है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि जो राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज पीसीएस जे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट संबंधी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, उसकी वैकेंसी उसके रिक्रूटमेंट के लिए 22 जुलाई को पोस्ट डेट कर दिया गया था और पोस्ट अपडेट भी 22 जुलाई को कर दिया गया। और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसी के अंतर्गत की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट RHC जोधपुर के अंतर्गत पर राजस्थान का हाईकोर्ट है आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिविल जज कार्डर रिक्रूटमेंट 21st। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग RHC राजस्थान हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, कोई शॉर्ट इतना जानने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो चीज़ें मैंने बता दी है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, देखिए एप्लीकेशन बिगेन शुरू कर सकते हैं 30 जुलाई 2021 से, लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का 31 अगस्त 2021, पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट है इसका 1/9/2021, मतलब एक क्या हो गया सितंबर तक लास्ट क्या कर सकते हैं आप पे फीस पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम डेट इनके द्वारा जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया एडमिट कार्ड भी उसी बेस से क्या कर दिया जाएगा अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको नोटिफाइड, वो भी जल्दी सून करा दिया जाएगा। अभी फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जनरल कैटेगरी के हैं या अदर स्टेट से आप बिलोंग करने वाले हैं तो आपको क्या होगा यहाँ पर फॉर्म फीस 1000 रुपये फॉर्म फीस पे करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बात करेंगे OBC और EWS के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस होगा, ST SC और फिजिकल हैंडकैप के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस होगा। और नीचे इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि पेमेंट जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटी है उस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं, या स्टेट बैंक की या बैंक के अंतर्गत पर जाकर भी आप चालान मोड यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि ई चालान फ्री मोड भी आपको क्या है बैंक जाकर आप लगवा सकते हैं, खासतौर पर आप चले जाइएगा SBI के अंतर्गत पर तो वहाँ से आपका काम प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। देखिए टोटल वैकेंसी है 120 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे है, सिविल जज जो है पीसीएस जे के लिए 120 टोटल पोस्ट है। अब एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 21 से लेकर 40 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 21st से लेकर 40 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसका मतलब देखिए जो ये नीचे डेट लिखा होता है ना 1/1/2022, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस डेट को ना आपकी उम्र 21 से कम होनी चाहिए ना इस डेट को आपकी उम्र 40 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रख लिया होगा। अब खास इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिजिबिलिटी, योग्यता जिसको कहते हैं कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो जो मन पड़े वो भर देगा ना। तो यहाँ पर बैचलर जो है बैचलर डिग्री इन लॉ LLB होना, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए LLB 3 ईयर और 5 ईयर का क्या होना चाहिए, या 3 साल या 5 साल का आपके पास कोर्स अवेलेबल होना चाहिए, वही इसको अप्लाई कर सकता है। आगे बात करेंगे हाउ टू फिल ऑफ द फॉर्म, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और देखिए उसके बाद में जैसे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर लिखा गया है तो लिंक जो एक्टिव हो जाएगा तो 30 जुलाई से एक्टिव कर दिया जाएगा। वैसे जो डाउनलोड नोटिफिकेशन है वैसे कोई आवश्यकता है नहीं ज्यादा नोटिफिकेशन पढ़ने की, यदि आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, उनका सिलेबस ढूंढ सकते हैं और टेलीग्राम, ये तो कोई और इंपॉर्टेंट है नहीं, बस समझ गए होंगे आप जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कैसे आपको फॉर्म फीस भरना है, फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म फीस का जो पेमेंट है उसको कैसे पे करना है, सारा नोटिफिकेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे जान लिया। चले दोस्तों समझ गए होंगे, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो पर इसी रूप से इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको और जो भी गवर्नमेंट जॉब संबंधी या जो भी कंटेंट संबंधी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद जय भारत।